Hey, hello guys, how are you? Hope you're very fine in your life. My name is Jiten Rana, I'm from Bhlasoghaj, Roorkee. Today, I have talked about the students which are not concentrating in their study, which are not good in their study. Ultimately, we have talked about how to control our mind. कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें किसी भी काम को करने के लिए. बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं और हमें पता है ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारा इसमें मन नहीं लगता. तो अल्टीमेटली हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि आखिरकार ये मन होता क्या है. देखिए, एवरी सिंगल पर्सन हैव द 14 इंस्ट्रूमेंट्स विच आर गिवन बाई द गॉड्स ऑन हिज बर्थडे. सभी के पास 14 उपकरण होते हैं जो भगवान द्वारा दिए जाते हैं उनके जन्म होते ही. कौन कौन से होते हैं? पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, चित, बुद्धि, अहंकार. 14 इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. इनमें मन और बुद्धि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं. अब समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है मन और बुद्धि में. तो इनमें डिफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं, देखते हैं. जैसे कि कोई बंदा है, एक रोड पे गुजार रहा है और सामने उसके एक आम का बाग है जिसपे बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं. तो अगर उसका मन उसके बुद्धि से स्ट्रोंग है तो वह क्या सोचेगा कि क्यों ना मैं इन आमों को तोड़ लूँ, माली तो यहाँ नहीं है, देख नहीं रहा है, और घर जाकर इनको पका के खाऊँ या इनका अचार डाल रहे हूँ. तो अगर उसका मन स्ट्रोंग है बुद्धि से तो वो यह काम कर लेगा जो कि गलत काम है. और वह अपने उस बाग के माली से पिट भी सकता है. लेकिन अगर उसकी बुद्धि स्ट्रोंग है उसके मन से, तो वह वो गलत काम कभी नहीं करेगा और सीधे साधे अपने घर आ जाएगा. और जो एक साइन है एक सक्सेसफुल आदमी का, एक अच्छे व्यक्ति का जो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है. तो इससे मुझे पता चलता है कि जिसका मन बुद्धि से स्ट्रोंग होता है वो कम सक्सेसफुल होता है या फिर कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में. लेकिन जिनकी बुद्धि उसके मन से स्ट्रोंग होती है वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और सक्सेसफुल बनने के उनके ज़्यादा चांस होते हैं. तो हम बोलते हैं कि हमारा मन इसमें नहीं लगता, हमारा मन उसमें नहीं लगता, ये हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता. तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया है कि मन होता क्या है, अब इसे कंट्रोल कैसे करें. तो अब बात आती है कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड. तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी वजह ढूंढनी पड़ेगी जो कि हमें किक दे या फिर पुश करे उस गोल को अचीव करने में. अब वो वजह कुछ भी हो सकती है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप डेजर्ट में फंस गए हो, जो रेगिस्तान होता है उसमें आप फंसे हुए हो. अब एक दिन हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, आपको प्यास लगी है, आपको पानी नहीं मिल रहा है कहीं भी, आपको पता है धूप बहुत पड़ती है, तो थोड़ी सी देर में थोड़ी धूप लगती है वो रेत जो है गर्म हो जाता है और उस से गर्मी बहुत निकलती है और आपका गला सूखा पड़ा है बिल्कुल. आप एक एक बूंद के लिए तरस रहे हो, आप सोच रहे हो कि कहीं से मुझे एक बूंद पानी की मिल जाए, एक बूंद पानी की मिल जाए, एक बूंद पानी की मिल जाए, लेकिन आपको कभी कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है. तो आपने देखा भी होगा या आप डिस्कवरी पे देखते होंगे या कहीं भी कि जो जो मनुष्य ऐसी स्थिति में फंसे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो डाले गए हैं या फिर अपने आप वो कहीं फंस गए, तो उन्होंने क्या किया? अगर उन्हें पानी पीने को नहीं मिल रहा है, 2 या 3 दिन हो चुके हैं, वो मरने की हालत में हैं, तो वो क्या पीते हैं? वो अपना टॉयलेट पीते हैं, यूरिन पीते हैं. तो उन्होंने कोई अपना टॉयलेट क्यों पिएगा भला? ऐसा कोई जैसे कि आप कोई आम आदमी है वो अपना टॉयलेट पीना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन वो सिचुएशन कोई और थी, उससे अगर जिंदगी चाहिए, अगर उसे जीना है तो उसे अपना यूरिन पीना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई जरिया नहीं है. उसे लिक्विड चाहिए, उसे पानी के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए. तो उसने यूरिन क्यों पिया, उसने अपना टॉयलेट क्यों पिया? क्योंकि वजह बड़ी है, वजह हमारी बड़ी हो गई. तो इसीलिए अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और हमें
उस काम को करने में मन नहीं लग रहा है, तो हमें कोई एक ऐसी ही वजह ढूंढनी है। जैसे रेगिस्तान में जीना जरूरी था इसलिए हमने टॉयलेट पी गए वरना कोई नहीं पीता, तो ऐसे ही हमें किसी भी काम को करने के लिए, मन लगाने के लिए कोई बड़ी वजह ढूंढनी पड़ेगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि आप एक कोई लड़का है और उसके सामने चार रेसलर पहलवान खड़े हैं, बहुत हट्टे कट्टे पहलवान खड़े हुए हैं उसके सामने, और वो चारों के चारों उसे मारना चाहते हैं अकेले लड़के को, तो कोई भी समझदार लड़का क्या करेगा कि वहाँ से खिसकने की कोशिश करेगा, वहाँ से जाने की कोशिश करेगा। उन चारों से तो कोई अकेला आदमी लड़ नहीं सकता, समझदारी तो इसमें है कि वो चला जाए। वो लड़े भी उनसे क्यों? क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं है, कोई बड़ी वजह हो तो भी वो उससे लड़े, तो कोई भी साधारण व्यक्ति क्या करेगा, वहाँ से चले जाएगा। लेकिन अगर हम सिचुएशन को चेंज करके देखें, यहाँ पर एक चार रेसलर पहलवान खड़े हैं और बीच में उस लड़के की माँ खड़ी हुई है, वो लड़का पीछे खड़ा हुआ है अपनी माँ के, और वो रेसलर पहलवान उसे नहीं मारना चाहते, उसकी माँ को मारना चाहते हैं, तब वह लड़का क्या करेगा? तब वह लड़का डू या डाई की सिचुएशन में आ जाएगा, या तो मार देगा या फिर मर जाएगा, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा। उसने ऐसा क्यों किया? पहले तो जब अकेला था तब तो वो उनसे लड़ नहीं रहा था, लेकिन अब क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि उसके साथ एक इमोशन जुड़ गया है, उसकी माँ, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो उनसे इमोशन कनेक्ट हो गया है, और एक बड़ी वजह मिल गई है कि अपनी माँ को तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसलिए वह उन रसल पहलवान से लड़ता है और डू और डाई की सिचुएशन में आ जाता है। तो वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहा उनसे लड़ने में, क्योंकि उसे एक बड़ी वजह मिल गई है। तो आप सब जान चुके हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ में अपना मन लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसे एक बड़ी वजह से जोड़ दो। वो कोई भी काम हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ भी आप ले लें, किसी भी चीज़ में अगर मन नहीं लग रहा है तो उसे बड़ी वजह से जोड़ दें। जैसे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप उसे किसी इमोशन से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मम्मी है या आपके पापा है, या आपको किसी ने कुछ कहा हुआ है कि बेटा ये तो तू अचीव कर ही नहीं सकता, इसमें तू फर्स्ट आ ही नहीं सकता, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब पा ही नहीं सकता, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि उस बंदे को तो ये करके दिखाना ही है, मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो बनना है, मुझे अपनी माँ माँ के लिए ये करना है तो करना है, मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है तो करना है। अगर आपको अपना मन किसी भी चीज़ में लगाना है, कंसंट्रेट करना है, किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको कंसंट्रेट करते जाना है, तो आपको यही करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को आप अपने किसी एक बड़ी वजह से जोड़ो, या फिर एक बड़े इमोशन से जोड़ो, किसी चीज से भी जोड़ो, एक उसे बड़ी वजह दो जिसके लिए आप वो करना शुरू करोगे। सो थैंक यू।